ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए और ये तुम्हारे लिए हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? अचानक ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार? झनक 20 नवंबर से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को। कोई बात नहीं बेटा, लाइट तो जाती रहती है। मैं वॉचमैन से बोलती हूँ वो फ्यूज चेक करेगा कहीं मीटर बॉक्स से तो नहीं उड़ा है। और देखो हमारे पास मोबाइल में लाइट है ना। पर मिस इस पर सिर्फ 25% दिखाता है, ये तो जल्दी ऑफ हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे पास डेस्क में टॉर्च रखा है, मैं लेकर आती हूँ। Amazing presentation, Mahesh. So basically, Independence Day पे मैं एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। It's a charity events. और इससे जो भी फंड्स रेज होंगे ना मेरे NGO को जाएंगे। What do you think? How's it? Of course, it's good. Also, Ministry of Women and Child Development से चीफ गेस्ट आने वाले हैं, so I have to make sure कि किसी भी तरह सारी टिकट्स की सेल हो। Don't worry, शगुन, I'll make sure कि हमारे क्लब की सारी लेडीज तुमसे ही टिकट्स लें। Yes, I'm very sure. All the tickets will be sold out. हाउसफुल होगा। और ये चेक मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन। नेक काम में देरी क्यों? अच्छा तो फ्लैग होस्टिंग वगैरह के बाद डांस कुछ होगा नहीं? यस मैम, हमारे ग्रुप्स ट्राई कलर में ड्रेस्ड अप हो गए और जय हो सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाले हैं। ये रहा कॉस्ट्यूम्स। वेल मैम, डांस के बाद गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए हमने कुछ गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए। देखना Very nice stuff. मैम ये हमारे इवेंट का हिस्सा है। इवेंट में बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए हमने मैजिशियन, जगलर और जोकर का इंतजाम किया है और मैंने उन्हें कॉस्ट्यूम में ही बुला लिया है ताकि यू नो वी कैन फाइनलाइज एवरीथिंग टुडे। वेरी नाइस, गुड आइडिया। बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं, इससे उनकी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। Absolutely. But clown, I think clown is a great addition ना, बच्चों के लिए वो बहुत exciting होगा। तो clown नहीं आया? हाँ मैम वो आता होगा। संजय कहाँ है? पता नहीं सर, आता ही होगा। हेलो। सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया। तुम्हें कॉस्ट्यूम पहन के आने के लिए कहा था ना, कॉस्ट्यूम कहाँ है तुम्हारे? हाँ सर लेकिन मेरे कॉस्ट्यूम मिसिंग है, कहीं मिल नहीं रहे। क्या मिल नहीं रहे मतलब क्या? सर दोपहर को एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में मैं परफॉर्म कर रहा था तो अचानक एक आदमी आया जिसे उसकी बर्थडे पार्टी में मुझे हायर करना था, तो बातचीत के लिए मैं उसे अपने ग्रीन रूम में लेकर गया। सर मैंने कॉस्ट्यूम चेंज किया और फोन आया तो मैं बाहर चला गया। जैसे ही बातचीत खत्म करके मैं अंदर आया, देखा तो वो आदमी था और ना मेरे कॉस्ट्यूम थे। सर मुझे तो लगता है वो आदमी मेरे कॉस्ट्यूम लेकर गया है। गॉड, अब हम क्या करेंगे? इट्स ओके, इसमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली मेरे फ्रेंड की यहाँ बर्थडे पार्टी हुई थी, उसने क्लाउन को बुलाया था। वो फोटोज हैं मेरे पास, आप देख लीजिए। अगर कॉस्ट्यूम ठीक लगे तो वही मंगवा लेते हैं। वी कैन रेंट इट आउट। जी स्क्रॉल कर दीजिए 3-4। एक मिनट पीछे कीजिए। सर ये तो वही आदमी है जिसने मेरे कपड़े चुराए। या दिखा परम, are you sure कि वो यही है? जी मैडम, 100% यही आदमी था। ला 20 नवंबर से झनक रात 10:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। फ्लिकर कर रही हैं। मिस, लाइट क्यों चली गई? कोई बात नहीं बेटा, लाइट तो जाती रहती है। मैं वॉचमैन से बोलती हूँ, वो फ्यूज चेक करेगा कहीं मीटर बॉक्स से तो नहीं उड़ा है। और देखो हमारे पास मोबाइल में लाइट है ना। पर मिस, इस पर सिर्फ 25% दिखाता है, ये तो जल्दी ऑफ हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे पास डेस्क में टॉर्च रखा है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू सर। क्या रहा? इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस स्ट्रीट के चक्कर में पुलिस हर जगह पे ड्यूटी पे लगी हुई है। इस चक्कर में कोई भी फ्री नहीं है, वो खुद भी ड्यूटी पे हैं बाहर। लेकिन उन्होंने एक डेप्यूटी को लगाया काम पे, वो पता कर रहा है कि नंबर किसका था ये। लेकिन ये प्रीपेड सिम कार्ड हो तो कहां से रिकॉर्ड मिलेंगे उसके? चलिए मालूम रहा सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे पुलिस स्टेशन जाकर वो स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए था परम के खिलाफ, और मुझे अकेले जाने की हिम्मत दिखानी चाहिए थी। मुझे आप लोगों को लेकर नहीं जाना चाहिए था। आपने पीहू को छोड़कर मेरे साथ घूम रहे थे, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या बातें किए जा रही हो? पीहू कैंप में थी, हम तुम्हें वैसे भी अकेला नहीं छोड़ते। तुम बोलती नहीं बोलती, हमें तो तुम्हारे साथ जाना ही था। प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो अब तुम, और सुनो अच्छा सोचो, कुछ बुरा नहीं होगा प्लीज। मिस मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट बी स्कैर्ड पीहू, मैं वॉचमैन से बोलती हूँ, वो फ्यूज चेक करेगा, तब तक आप ये टॉर्च रखो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, आप यहाँ से हिलना नहीं बिल्कुल, ठीक है? मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम यहीं रहना। ओके गार्ड को तो एक बार चेक करने आना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया ये। मुझे ही जाके फ्यूज चेक करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आपके फोन की ना इंतजार रहेगी, प्लीज हमें जल्दी बताइएगा, बहुत टेंशन हो रही है। जी इंस्पेक्टर साहब, इस बार तो फिर हमने ना हद कर दी है। इतने सालों से हमारे परिवार को उसने परेशान कर रखा है, अब पीहू को उसने टारगेट कर लिया। रमन के पीछे जाता हूँ मैं, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना, मैं उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगा। भल्ला जी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। ऐसे शांत हो जाओ यार साहब, आपको तो पता है जब से सिम्मी की दोबारा शादी की उसके साथ हमारे परिवार की नाक में दम कर रखा है उसने, उसके कर्मों की सजा देनी पड़ेगी। मैं जाता हूँ, अब मेरी गाड़ी की चाबी दे। अरे भल्ला साहब गाल सुनो, तुम कल कितने जाओगे? अंकल जी आंटी जी बिल्कुल सही कह रही है, अभी आप रमन इशिता के पीछे जाएंगे फिर हम लोग आपको ढूंढते फिरेंगे। हाँ। बेस्ट ये है कि हमें यहाँ इस समय घर पर रुकना चाहिए और पुलिस से कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमें उसे रमन इशिता को आगे फॉरवर्ड करना है। दैट्स इट। मेरे ख्याल से बाला बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ जी भल्ला साहब, तुसी ना आराम नाल बैठ जाओ। है मीका जा पुत्र, माता रानी अगे दिया जला, कृपा दृष्टि लाई। हाँ जी मम्मी, जा पुत्र बैठ जाओ। भल्ला साहब बैठ जाओ ना, तुसी ना करो अड्डा गुस्सा। नीलू ठंडा पानी लेके बैठी। हाँ मिस, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।